हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SH फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन सिखाने वाली हूं। जैसा कि आपने देख भी लिया, तो इसको बनाने के लिए आपने 3 से गुणा करके फंदे रखने हैं और प्लस आपने 2 एक्स्ट्रा फंदे रखने हैं। स्टिच तीन तीन फंदों के मल्टीपल में पड़ता है ये डिजाइन। तो जैसे कि मैंने यहां पर लगाए हैं 14 स्टिचेस, 3 से गुणा करके 12 और प्लस उसमें 2 करके 14 फंदे मैंने यहां पर डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो ये जो डिजाइन है हमारा, ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है। तो रॉन्ग साइड से हम स्टार्ट करेंगे। पहली रो रॉन्ग साइड से, उल्टी तरफ से पहली रो। देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ 4 रो में ही ये डिजाइन पड़ जाता है, तो आपको चारों रो ध्यान से देखनी है। पहला फंदा देखिए, ऐसे उल्टा उतारेंगे। पहली रो रॉन्ग साइड से, पहला फंदा उल्टा उतारा, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को यूं घुमाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को घुमाएंगे और एक फंदा फिर से सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए, 3 फंदों में हम ऐसा करेंगे। ये देखिए, एक फंदा सीधा बनाया, धागा घुमाया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा घुमा के एक फंदा सीधा, और एक फंदा छोड़कर यहां से हम फिर से रिपीट करेंगे। ये इस फंदे से फिर से रिपीट करेंगे, यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। फिर से देख लीजिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को घुमाकर एक फंदा सीधा। तो यही 3 फंदे हमने पूरी रो में रिपीट करते जाना है। देखिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे, फिर एक फंदा सीधा। तो ये पूरी रो आपने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये 3 फंदे हमने बार बार कंटिन्यू करते जाना है। एक फंदा बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर धागे को घुमाकर एक फंदा सीधा। तो ये पूरी रो में देखिए, हमने बस ये 3 फंदे ही रिपीट करते जाना है और लास्ट में देखिए हमारे पास एक फंदा बचेगा। धागे को आगे लाएंगे और एक फंदे को उल्टा बना लेंगे। तो ये पहली रो हो गई है रॉन्ग। तो अब आ जाइए रो 2 में, राइट साइड से सीधी तरफ से दूसरी रो। अब इसको देखिए, इसमें भी ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे हम यहां पर। पहला फंदा सीधा उतारेंगे। अब देखिए, अब आगे वाले 3 फंदे हम यहां पर खोलेंगे। जो बीच में देखिए धागा घुमाया था हमने, उसको हम उतार देंगे। ये देखिए, एक फंदा पकड़ेंगे, जो धागा घुमाया था उसको खोल देंगे, फिर एक फंदा पकड़ेंगे, धागा घुमाया था उसको खोल देंगे, फिर एक फंदा पकड़ेंगे। इस तरह से हम 3 फंदे पकड़ेंगे। एज स्टिच तो हमने ऐसे उतार लिया, फिर ये 3 फंदे देखिए, जो बीच में धागा घुमाया था वो हमने उतार दिया। तो अब देखिए, अब इन 3 फंदों में क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये 3 फंदों में हमने केबल डालनी है। तो ये केबल किस तरह से डालनी है, ये जो केबल है हमारी, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, पहले लेफ्ट नीडल में यूं ले लेंगे, फिर इनको इस तरह से आगे की तरफ से यूं करेंगे, क्योंकि ये जो ये हम राइट हैंड की तरफ को, इस तरफ को केबल मोड़ेंगे। तो अब पीछे की तरफ से इन फंदों को वापिस से तीनों को इस सिलाई में डाल लेंगे और फिर ये 3 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। 1, 2, 3। ये देखिए, ये इस तरफ को हमारी राइट हैंड की तरफ को हमने केबल डाली, इस तरफ को। अब आगे वाले 3 फंदे फिर से हम खोलेंगे। ये देखिए, यूं खोला, 2 और ये 3। ये 3 फंदे खोलिए। अब हमने ये केबल इस तरफ को डालनी है, इस तरफ को हम मोड़ेंगे अब ये, क्योंकि ये जो डिजाइन हमारा इस तरह से चलेगा। तो अब इस तरफ को मोड़ेंगे, तो इस तरफ को मोड़ने के लिए देखे, इस सिलाई को हम यूं लाएंगे आगे की तरफ से और ये 3 फंदे इस सिलाई में यूं डाल देंगे। अब ये 3 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ को हम इस तरह से मोड़ेंगे और राइट हैंड की तरफ को दूसरी तरफ से मोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और तीसरा फंदा भी सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने, ये देखिए, ये राइट हैंड की तरफ को मोड़ी और ये लेफ्ट हैंड की तरफ को मोड़ी, ये दोनों केबल। तो ये शुरू का एक फंदा छोड़कर यही 6 फंदे रिपीट करेंगे। फिर से देख लीजिए, यही 6 फंदे हमने रिपीट करते जाना है। ये देखिए, पहले फंदे, ये 3 फंदे खोलेंगे पहले। तो ये देखिए, 3 फंदे हमने खोले। बीच में धागा हम जो पहली रो में घुमा रहे थे, वो इसलिए घुमा रहे थे क्योंकि फंदे हमारे से लूज हो जाते हैं और ईजी होता है बनाने में। तो देखिए, पहली बार जब हम राइट हैंड की तरफ को मोड़ेंगे तो किस तरह से मोड़ेंगे, पीछे की तरफ से ये इस सिलाई को डालेंगे यूं। फिर देखिए, अब इस तरफ को घुमाना है ना, तो यहां से इस तरह से घुमाएंगे,
फिर पीछे की तरफ से सिलाई डालते हुए इनको वापस से इस सिलाई में डालेंगे क्योंकि हमने बनाने हैं ये। अब हमने ये तीनों फंदे सीधे बना लेने हैं। तो ये देखिए, एक, दो और ये तीन। तो इस तरह से देखिए हमने ये तीनों फंदे सीधे बना लिए। ये हमारी राइट हैंड की तरफ को हो गई केवल। अब देखिए फिर से आगे वाले फंदे खोलेंगे, तीन तीन। अब हमने इस तरफ को डालनी है, तो इस तरफ को डालती बार देखिए हमने आगे की तरफ से यूं डालेंगे और इस सिलाई में उतार देंगे, फिर तीनों फंदे सीधे बना लेंगे। वन टू और ये थ्री। तो देखिए यही छह फंदे इसी तरह से हमने कंटिन्यू करते जाना है, पूरी रो में यही छह फंदे कंटिन्यू करने हैं। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बना लेना है। अब आ जाइए रो थर्ड में। तो थर्ड रो फिर से हम रो वन की तरह ही बनाएंगे जैसे हमने पहली रो बनाई। तो फिर से देख लीजिए एक बार, यहां पर पहला फंदा तो उल्टा उतारा, धागे को पीछे ले गए। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागे को घुमाएंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो देखिए यही हमने पूरी रो में रिपीट करते जाना है, यही तीन फंदे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को घुमाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को घुमाकर एक फंदा सीधा। तो ये पूरी रो आपने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। लास्ट का एक फंदा हमने उल्टा बना लेना है। तो अब रो फोर में आ जाइए, राइट साइड से चौथी रो सीधी तरफ से। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा। अब फिर से देखिए हम तीन फंदे खोलेंगे, ये जो बीच में धागा घुमाया था उसको उतार देंगे इस तरह से। देखिए ये तीन फंदे हमने कर लिए। लेकिन अब देखिए पहली रो में हमने इस तरफ को ये फंदे घुमाए थे, अब थर्ड रो में हमने पहले ये लेफ्ट केबल डालनी है। पहले लेफ्ट केबल हम डालेंगे। तो लेफ्ट केबल के लिए देखिए हमने इस तरह से सिलाई को डालेंगे और यूं उतार देंगे, फिर तीनों को सीधा बना देंगे। वन टू और ये थ्री। फिर उसके बाद देखिए फिर से तीन फंदे खोलेंगे, वन टू थ्री। अब हम राइट केबल यहां पर डालेंगे। तो राइट केबल डालने के लिए देखिए पीछे की तरफ से इसको लेफ्ट नीडल में ले जाएंगे, फिर से देखिए आगे की तरफ से सिलाई में इनको राइट नीडल में डालेंगे, फिर पीछे की तरफ से सिलाई डालते हुए इनको वापिस से सिलाई में डालेंगे, फिर तीनों को सीधा बना लेंगे थ्री। तो यही देखिए यही छह फंदे हमने पूरी रो में रिपीट करते जाना है। ये पहला फंदा छोड़कर यही छह फंदे हमने रिपीट करने हैं। फिर से देख लीजिए, एक दो तीन, तीनों फंदों को उतारा। अब इसमें पहले देखिए हम लेफ्ट केबल डालेंगे। तो लेफ्ट केबल डालने के लिए फंदों को यूं खिसकाएंगे और अब इन तीनों को सीधा बना लेंगे, वन टू और ये थ्री। फिर से तीन फंदे उतारेंगे, टू थ्री। अब इसमें राइट केबल डालेंगे। तो राइट केबल डालने के लिए यूं राइट केबल डालेंगे हम। बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है, बस फंदों को घुमाना है आपको और कुछ नहीं करना है इसमें। लेकिन ये डिजाइन बनता बहुत प्यारा है। अगर आप अपने लिए कार्डिगन बनाना चाहती हैं या ब्लाउज बनाना चाहती हैं, जैकेट बनाना चाहती हैं, तो उसके ऊपर बहुत प्रिटी बनता है ये डिजाइन। और डबल आता है ये डिजाइन, तो बहुत ही प्यारा बनता है। और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरी रो में हमने करते जाना है ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से दिखेगा। यही चार रो देखिए हमने बार बार रिपीट करते जाना है और हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न देखिए बनकर आएगा। इस तरह से बनता है ये, बहुत ही प्रिटी बनता है। आप बना करके जरूर देखिएगा, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस डिजाइन को। इस तरह से आएगा, फिर बिल्कुल क्रोशिए की तरह लगता है, जैसे क्रोशिए से बनाया हो। लेकिन क्रोशिए से नहीं बना, हाथ से बना है ये, आपको भी पता है, सिलाई से बना है। और रॉन्ग साइड से देखिए इस तरह से डिजाइन दिखता है। तो यही चार रो वन से लेकर रो फोर तक आपने कंटिन्यू करना है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। आई होप आपको मेरा डिजाइन पसंद आया होगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और रिकमेंड भी जरूर कीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।